हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल आरसीएम ग्रेट लाइफ। फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर लोकेशन पे आए हैं और ये एक बहुत प्राचीन ब्रह्मा जी का मंदिर है और जिस जगह पे ये मंदिर है उस जगह का नाम है चोमुहा और ये वृंदावन और कोसी के बीच में एक स्टेशन पड़ता है। इन अगर आप होडल पलवल होडल कोसी से होते हुए जब आप वृंदावन की तरफ जाएंगे तो आपको रास्ते में ये प्लेस मिलेगा। बहुत ग्रीन एरिया है, बहुत अच्छा एरिया है और जिस दिन हम यहाँ पर गए हैं उस दिन हमें बाय चांस वहाँ पर मेला भी था तो बहुत अच्छा एक वहाँ पर माहौल था। और ये जो हाथ हिला रहे हैं ये हमारी टीम के बहुत शानदार लीडर डॉक्टर सुरेश जी हैं जो वहाँ के लोकल लीडर हैं और चोमुहा इनका इनके इनकी वाइफ का पेरेंटल होम है, यानी इनका ससुराल है और बहुत अच्छा हमें वहाँ पर लगा। और हेलो फ्रेंड, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल आरसीएम ग्रेट लाइफ। फ्रेंड्स, आज हम लोग हमारे टीम के बहुत शानदार ग्रेट लीडर सुरेश जी हैं और आज इनके यहाँ मैं आया हूँ और इनकी वाइफ जो है मनीषा जी जो हमारी टीम के लीडर हैं उनका ये पेरेंटल विलेज है, यानी हमारे सुरेश जी का ससुराल है। और ये जगह बहुत डिवाइन है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत धार्मिक पवित्र जगह है। और हम सर के यहाँ आए तो फिर हमारे साथ साहिब सिंह जी हैं जो हमारे कैमरामैन बने हुए इस टाइम, वो उन्होंने हमें बताया कि सर यहाँ पर चोमुहा जो जगह है इसका नाम यहाँ पर एक मंदिर है उसकी वजह से पड़ा, जहाँ पर मुझे अभी पूरी स्टोरी मैंने यहाँ पर फोटो खींचा है, पूरा पढ़ा भी है, तो मैं आपको पूरी स्टोरी यहाँ से पढ़ के सुनाऊंगा। और बताया जाता है कि यहाँ पर ब्रह्मा जी के चार जो फेस होते हैं, चार जो मुंह होते हैं और वहाँ पर वो भगवान कृष्ण के यहाँ पर दर्शन करने आए थे और उनकी सारी जब लीलाओं को उन्होंने देखा और उसके बाद में जो बहुत सारी घटनाएं घटित हुई और उन्होंने भगवान कृष्ण ने जो अपने चमत्कार दिखाए उन सारी चीज़ों को यहाँ पर पूरा जो है यहाँ पर वो सारी चीज़ें घटित हुई हैं और बहुत अच्छा ये मंदिर है। अभी हम लोग ये मंदिर देखेंगे यहाँ पर। आज किस्मत से हम आज उस दिन आए जिस दिन यहाँ मेला भी होता है तो यहाँ पर थोड़ा मेला भी है लगा हुआ, तो थोड़ा सा हम देखेंगे इस यहाँ को, इस मंदिर को और आगे बातचीत करते रहते हैं हम। सो गाइस, जैसे कि हम बात कर रहे थे, हम आज अभी ब्रह्मा जी के मंदिर में आए हैं चोमुहा और इस मंदिर को ब्रह्म वन भी कहा जाता है। तो मैंने जहाँ जो वहाँ से पढ़ा, मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में, आज ये मेला लगा हुआ है, आपको ये शॉप्स जो छोटी छोटी शॉप्स लगा करके लोग बैठे हैं ये मेले की वजह से ये लोग आए हैं। अभी हम दोपहर को आए हैं इसलिए यहाँ पर अभी तैयारी चल रही है मेले की, शाम को यहाँ पर बहुत अच्छा रश था। तो जो यहाँ पर मैंने जो यहाँ की जानकारी ली वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसा कि यहाँ बताया गया कि ये देश में पुष्कर जी के बाद ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर है और इसी वन में ब्रह्मा जी ने अपने चारों जो उनके फेसेस हैं, मुख हैं, उनसे भगवान कृष्ण की आराधना की थी, इसलिए इस गांव का नाम चोमुहा पड़ा और इस वन का नाम ब्रह्म वन पड़ा। उनके इसके बारे में एक स्टोरी बताई उन्होंने कि इस एक बार इस वन में बाल कृष्ण ग्वाल बालों के साथ बैठकर वन भोज कर रहे थे, खाना खा रहे थे सब, तभी उनका ध्यान अपने मित्र मधुमंगल, उनके फ्रेंड थे भगवान कृष्ण जी के, मधुमंगल जी की तरफ गया जो पेड़ों की ओट में छिपकर तीव्रता से अपनी माँ की दी हुई बासी छाछ पिए जा रहे थे और संकोचवश उसने इसी काना इन्हें कान्हा जी को यानी भगवान जी को नहीं दिया। और तो भगवान दौड़कर उनकी छाछ छीनने गए और गप से सारी छाछ मुँह में भर ली। इस पर जो बाल कृष्ण ने उसके गालों से पर बहती छाछ को प्रेम से चाट लिया, ये देखकर जो ब्रह्मा जी है वो भ्रमित हो गए और सोचने लगे कि ये कैसे भगवान है जो ग्वाल बालों की जूठन ही चाट रहे हैं। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए वो आए और उन्होंने भगवान जब भोजन के बाद में वृक्ष के नीचे सो गए थे वो भगवान, तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने सभी ग्वाल बालों और बछड़ों को चुरा लिया। आँख खुलने पर बाल कृष्ण समझ गए कि ब्रह्मा जी उनकी परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने स्वयं का विस्तार ग्वाल बालों और बछड़ों के रूप में कर लिया। इस तरह प्रतिदिन वे इस वन में गोचरण को आते रहे और संध्या को लौटते रहे। न तो गोपियों को पता चला, और न पता लगा न ही उन गायों को जिनका वत्स बनकर बालकृष्ण ने इस एक वर्ष तक इन सबको मातृत्व का सुख प्रदान किया।
पृथ्वी का एक वर्ष और ब्रह्मा जी का एक क्षण बराबर होते हैं। ब्रह्मा जी ने क्षण भर इस वन की ओर देखा तो उन्हें सब कुछ यथावत दिखा। वह देखकर ब्रह्मा जी विचलित हो गए और उन्हें अपराध का बोध हुआ और उन्हें इसी ब्रह्म वन में आकर तप किया और अपने चारों मस्तक बालकृष्ण के चरणों में रखकर उन्होंने अपराध की बार बार क्षमा मांगी। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर जो स्तुति की यह श्रीमद् भगवद गीता के दशम स्कंद के 14वें अध्याय के श्लोक संख्या 1 से 61 तक है। यह पौराणिक वन दशाब्दियों से वीरान पड़ा था। यहाँ एक भी वृक्ष नहीं था, यहाँ की रज भी उपजाऊ नहीं थी। फिर यहाँ पर ब्रज फाउंडेशन ने 2015-16 में एनटीपीसी के सहयोग के साथ इस मंदिर को तैयार किया दोबारा से और अब इसकी देखरेख चल रही है और बहुत अच्छे से यहाँ पर सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये थोड़ा मंदिर के बारे में जो मैं वहाँ से लिख कर लाया था, मैंने आपको पढ़ के सुनाया। बहुत सुंदर लोकेशन है और जब भी आप वृंदावन आएँ तो एक बार ज़रूर आप चोमुहा जो ये टेम्पल है, ब्रह्मा जी का टेम्पल है, ज़रूर विज़िट करें। और जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत शांति नज़र आएगी, बहुत ग्रीनरी नज़र आएगी, बहुत खुशहाली नज़र आएगी, बहुत अच्छाई वहाँ पर आपको दिखेगी। सॉरी, तो आप ज़रूर इस जगह पर विज़िट करें। और बिल्कुल जब आप आएंगे तो टुवर्ड्स लेफ्ट साइड आपके पड़ेगा, जब कोसी से वृंदावन के बीच में पड़ता है ये, ठीक है। तो बार बार मिलते रहेंगे हम अलग अलग लोकेशंस पे जाकर के। मैं आपके साथ अब जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वो जगह शेयर करता रहूँगा और जल्दी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को अगर आपने लाइक किया तो आप अगर हमारे चैनल ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू। जय हिंद।